नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। महबूब देश, आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत में आज भी कोई सुधार नहीं हुआ। लगातार तीसरे दिन जारी किए गए मेडिकल बुलेटिन में एक जैसी बात ही लिखी है, उनकी स्थिति को आज भी गंभीर बताया गया है। इस बीच उनके लिए दुआओं का और प्रार्थनाओं का सिलसिला भी तेज हो गया है। और इस बीच देश प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सपा के समर्थक गुरुग्राम के अस्पताल पहुंचने लगे हैं। इनमें से कई अपने प्रिय नेता की नासाज सेहत को लेकर भावुक भी नजर आए। नेताजी मुलायम सिंह यादव की जो हालत है वो अभी भी नाजुक बनी हुई है। और उम्मीद है कि नेताजी स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच आएंगे और हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। मुलायम की हालत लगातार बनी है नाजुक। सेहत में नहीं सुधार, दुआओं की सख्त दरकार। नेताजी के समर्थकों में बही बेचैनी। अभिभावक ये लग रहा है हमसे दूर जा रहा है, इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं और 4-5 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं। समर्थकों को धीरज बंधाने में जुटा है पूरा परिवार। अस्पताल के आगे समर्थकों का हुजूम। क्योंकि नेताजी ने हम लोगों को गांव गली से उठा के जीने लायक हक दिया है और आज हम लोगों की हालत बहुत खराब है, क्योंकि हमें अगर किसी ने यहाँ तक खड़ा किया है तो वो नेताजी हैं। हमारे माई बाप हैं, हमारे माँ बाप हैं नेताजी, लेकिन आज हमसे दूर हैं, हम उनको देख भी नहीं पा रहे हैं। माननीय नेताजी हम लोगों के बीच आएँ और हम लोगों को मार्गदर्शन करें, यही हम लोगों की भावना है। करोड़ों लोगों, करोड़ों किसानों, नौजवानों की आवाज़ नेताजी। मुलायम की सेहत से जुड़ी हर खबर पर सबकी नजर। आज भी जो हेल्थ बुलेटिन आया उसमें भी ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं कि वो वेंटिलेटर पर हैं, जीवन रक्षक दवाओं पर वो चल रहे हैं और उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। मुलायम के लिए जुमे की नमाज में दुआएं। धरती पुत्र के लिए ऊपर वाले से बड़ी गुहा। संघर्ष पथ पर मुलायम, विजय की उम्मीद कायम। समाजवादी सूरमा का संघर्ष का महाविजय की महाकामना। बात तो चुभेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।